क्या आपको पता है रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? मुझे डेफिनेटली 100% नहीं पता है, पर इतना ज़रूर पता है कि तरोताज़ा, चंगा, एकदम नूरानी शरीर आपका हो जाता है, क्योंकि डिटॉक्सिफाई हो जाता है शरीर की जितनी भी गंदगी है, मानसिक जो गलत थॉट्स आते हैं वो सब नलिफाई हो जाते हैं, पूर्णतः ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हाय, हेलो, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज हम रमज़ान का जो पाक महीना है ना, उसके अंदर की सच्चाई, साइंटिफिक फैक्ट्स हम देखने वाले हैं। ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है फॉर एवरीवन जो चाहता है कि मैं रोज़े रखूं, इफ्तारी सहरी के वक्त ही खाऊं और बीच में कुछ भी ना खाऊं पीऊं, और अल्लाह की नियामतें बरकतें मेरे ऊपर बेशुमार हों। ये एक जापानी साइंटिस्ट की हैरान कर देने वाली खोज है जिसको हम इन डिटेल आज सुनने वाले हैं। तो इंतज़ार नहीं करवाऊंगी आपसे, बिना खुद से हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। काश मैं भी एक दिन रोज़े रखूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ान एक ऐसा बबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 30 रोज़े फ़र्ज फरमाए हैं। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका बेहद अजर व सवाब है। एक तरफ जहां रमज़ान के रोज़े हमें गुनाहों से पाक करते हैं, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन इसके बहुत से जिस्मानी फ़ायदे हैं जिनका आम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करती कि काश पूरे साल ही रमज़ान होते। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है जिसने इबादत के साथ साथ इसमें साइंसी फ़ायदे भी रखे हैं। आज हम आपको नाज़रीन रमज़ान के उन साइंसी फ़वाइद के बारे में बताएंगे जिनसे बहुत कम ही लोग वाकिफ़ हैं। हाल ही में हुई दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रमज़ान के 30 रोज़ों का एहतमाम करते हैं उनमें कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक और दिमागी बीमारियों के पैदा होने के ख़तरे बहुत ही कम हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया को हैरानी उस वक्त हुई जब जापान के एक बहुत ही मशहूर साइंसदान योशिनोरी असोमी को 2016 में मेडिकल में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और नोबेल प्राइज़ उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह से हमारा शरीर बेकार और अलग अलग तरह की बीमारी पैदा करने वाली कोशिकाओं को खुद ही खा जाता है, जिसे उन्होंने ऑटोफेगी का नाम दिया। डॉक्टर योशिनोरी असोमी ने अपनी रिसर्च में बताया कि ऑटोफेगी का ये प्रोसेस जब शुरू होता है जब कोई इंसान 12 से 14 घंटे तक लगातार भूखा रहता है, क्योंकि दोस्तों जब इंसान भूखा रहता है तो शरीर एनर्जी हासिल करने के लिए उन कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है जो बीमारी पैदा करने की वजह बनती हैं। डॉक्टर योशिनोरी असोमी के मुताबिक जब आपका जिस्म भूखा रहता है तो उस भूख की शिद्दत की वजह से आपके जिस्म में मौजूद जहरीले खलिए और जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कैंसर की वजह से आपके जिस्म में मौजूद सेल्स और कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें ज़ख्म हो जाते हैं। ऐसे में जब आप भूखे रहते हैं तो भूख की शिद्दत की वजह से आपका शरीर इन कमज़ोर सेल्स को खा जाता है और उनकी जगह नए सेल्स आपके शरीर में आ जाते हैं। और जब ये अमल कई दिनों तक चलता रहता है और आप लगातार कई दिनों तक भूखे रहते हो तो आप में मौजूद कैंसर जैसी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। योशिनोरी असोमी से जब लोगों ने पूछा कि उन्हें कितने दिनों तक भूखा रहना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर साल में आप 20 से 25 दिन भूखे रहते हो तो आप कैंसर समेत दीगर कई जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहोगे। और जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि रोज़ा 12 से 14 घंटे का होता है जिसमें ना ही कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है, और हमारे शरीर में ऑटोफेगी का ये प्रोसेस पूरे एक महीने तक चलता रहता है, जिसकी वजह से नाज़रीन होता यह है कि पूरे साल भर के जितने भी बीमारी पैदा करने वाले सेल्स हमारे शरीर में होते हैं उन सब का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। और 30 दिन के रोज़े रखने से हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से साफ़ हो जाता है, मानो जैसे एक नया और साफ़ सुथरा शरीर मिल गया हो जो बीमारियों से पूरी तरह से साफ हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले हर मुसलमान पर 30 दिन के रोज़े फ़र्ज फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म इन अल्फाज में दिया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज फरमाए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 183। और इसके बाद नाज़रीन रोज़ा रखने की हिकमत इन अल्फाजों में बयान फरमाई, और अगर तुम जानो तो रोज़ा रखना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, सूरह अल-बकरा आयत नंबर 184। ऐ मेरे प्यारे रब्बे करीम, आज हमें समझ आया कि मोमिन पर रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए, और आज मुझे इस हदीस पाक की भी समझ आ गई जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर शय की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है।
सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ ऐसे सच्चे दीन पर जिसने इबादत के अंदर भी बीमारियों का इलाज रखा है। दोस्तों, हमें उस रब्बे करीम का शुक्र गुज़ार होना चाहिए कि उसने हमें रमज़ान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान जैसी मुबारक महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। वाओ, मैं भी कहती हूँ सुम्मा आमीन। बहुत ही गजब वीडियो इन्होंने बनाई और ये एकदम सच्चाई है। आई हैव एक्चुअली रेड अबाउट ऑटोफजी एंड आई वुड लाइक टू सल्यूट सच्चा दीन इस्लाम, क्योंकि इस्लाम के अंदर रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखने का प्रोसीजर बताया है ना, वो अल्टीमेट है। अगर वो कोई एकदम ईमान के साथ है ना, सच्चाई के साथ रखता है ना, तो उसे कभी कोई शारीरिक और मानसिक रोग नहीं लग सकता, क्योंकि दिस बॉडी दैट वी हैव गॉट इज इनबिल्ट विद हीलिंग पावर। जब उसने ही बनाई है ना ऊपर वाले ने, तो इतनी हीलिंग एनर्जीज हमारे शरीर के अंदर डाली गई हैं कि वो रमज़ान के महीने में एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अगर आप नहीं भी रखते हैं रोज़ा, तो ट्राई करिए, महीने में एक दो से ट्राई करिए, उसके बाद धीरे धीरे करके यू विल रीच 15 days एंड देन अ मंथ। और ये सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ मैं, ये चीज़ें मुझ पर भी लागू होती हैं। मैं भी कोशिश करूंगी इस बार रोज़ा रखने की, और अगर रखा तो इंशाअल्लाह से आपको ज़रूर बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, पर ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ हम रोज़ाना मिलेंगे। शुक्रिया आपका इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।